हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ डायनेमिक कंप्रेसर ऑफ रोटरी कंप्रेसर। ओके, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द रोटरी कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इसमें एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। इस रोटर पर मूविंग ब्लेड लगे होते हैं एंड स्टेटर पर जो है वो फिक्स्ड ब्लेड लगे होते हैं। इट मीन्स जो ब्लेड स्टेटर पर लगा हुआ है यह फिक्स्ड रहेगा, मूव नहीं करेगा। एंड जो ब्लेड रोटर पर लगे हुए हैं यह अलॉन्ग विद द रोटर रोटेट करेंगे। गेटिंग फ्रेंड्स? सो दिस इज द फ्रंट एंड, दिस इज द बैक एंड। हियर एयर क्या करेगा फ्रेंड्स? यहां से इन करेगा एंड सी हियर, जैसे जैसे यह एक स्टेज को पार करेगा वैसे वैसे यह कंप्रेस्ड होगा। सेकेंड थिंग, सी हियर, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो मोर वॉल्यूम सक करेगा। धीरे धीरे जो यह नैरो पैसेज हो रहा है सो क्या होगा, यहाँ पर जो है कंप्रेस होता हुआ चला जाएगा। गेटिंग फ्रेंड्स? नाउ हियर सी, दिस इज द मूविंग ब्लेड, दिस इज द फिक्स ब्लेड, दिस इज द मूविंग ब्लेड। सो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो कैसा दिखेगा? दिस इज फिक्स ब्लेड, दिस इज द मूविंग ब्लेड। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लेड। ओके, तो यहाँ से क्या करेगा फ्रेंड्स, एयर विल सक इन एंड हेयर आउट। सो दिस वन सेट, दिस इज फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड को क्या कहते हैं हम, वन स्टेज कहते हैं। सो वन स्टेज को पास पार करेगा तो और कंप्रेस होगा। सो अगेन स्टेज बाई स्टेज, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेज है, फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज वन स्टेज, दिस इज टू स्टेज, दिस इज थ्री स्टेज। तो एज वन स्टेज टू स्टेज पास करेगा यह कंप्रेस होता हुआ चला जाएगा। सेकेंड, नैरो पैसेज इज ऑल्सो देयर, सो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ से भी यह फर्दर इसका प्रेशर राइज करेगा। गेटिंग फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड दिस रोटर ब्लेड, स्टेटर ब्लेड, स्टेटर एंड रोटर। Getting friends, this is the construction. Now, what is the working principle? इसमें क्या होता है friends? One more thing. यहाँ से देखिए, जो air suck करता है वो क्या हो जाएगा? Air suck axially कर रहा है. This is axial. So air in भी axial हो रहा है और out भी क्या होगा? Axial direction में हो रहा है. Out भी यहाँ से जो air होगा तो क्या हो जाएगा? Axial direction में ही हो रहा है. So इसमें क्या हो जाएगा? Air in also axially या air enter axially and exit axially हो जाएगा. ओके, सो इन दिस केस इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में क्या होता है, जो एयर इंटर करता है वो भी एक्सियली है एंड जो एयर लीव होता है या एग्जिट होता है वो भी एक्सियली होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ओके, सो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? वर्किंग प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब हम रोटेटर को क्या करेंगे, ऑन करेंगे या पावर सप्लाई करेंगे, देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग हियर। ओके, जब रोटेट करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, एयर विल सक इनसाइड द दिस ब्लेड्स, फिक्स्ड ब्लेड मूविंग ब्लेड। एंड एज जब एयर जो है फिक्स्ड ब्लेड मूविंग ब्लेड से पास करेगा, आर वी कैन से वन स्टेज से पास करेगा तो एयर कंप्रेस होगा। अगेन फर्दर दिस स्टेज से पास करेगा तो और कंप्रेस होगा, दिस स्टेज से पास करेगा तो और कंप्रेस होगा। सो एज इट इज पास्ड बाई स्टेज आफ्टर स्टेज, सो क्या हो जाएगा, इट विल फर्दर कंप्रेस्ड। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या है कि यह नैरो पैसेज है, यहाँ से वॉल्यूम और डिक्रीज होगा तो इसका प्रेशर और राइज करेगा। ओके, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ इसको, क्या है वर्किंग प्रिंसिपल। जब कंप्रेसर को पावर दिया जाता है तो रोटरी ड्रम और कंप्रेसर जो है, सो रोटरी ड्रम और रोटर जो है रोटेट करता है। रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, एयर सक होगा एंड एयर क्या हो जाएगा, एयर स्टेटर ब्लेड और रोटर ब्लेड से पास करता है। जब एयर एक स्टेज, इट मीन्स फिक्स ब्लेड प्लस मूविंग ब्लेड इज वन स्टेज से पास करेगा, पास करके दूसरी स्टेज में जाता है तो एयर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाता है। सो स्टेज बाई स्टेज यह कंप्रेस होता हुआ जाएगा। एक स्टेज में स्टेटर ब्लेड और एक रोटर ब्लेड होता है। फ्रेंड्स, आगे क्या हो जाएगा,
फर्दर क्या होता है, यह नैरो पैसेज हो जाता है, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो है यह नैरो पैसेज हो जाता है, तो इसके कारण भी जो है एयर और कंप्रेस हो जाती है, फाइनली हाई प्रेशर पर जो है हमारा एयर डिलीवर हो जाता है। ओके, सो दिस इज द कंप्रेसर। कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं? सुपरचार्जिंग में कर सकते हैं, सुपरचार्जिंग में कर सकते हैं, पावर प्लांट में कर सकते हैं। ओके, पावर प्लांट में हम यूज कर सकते हैं, गैस टरबाइन में हम यूज करते हैं, गैस टरबाइन में हम फॉर कंप्रेशन के लिए हम एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं। हिटिंग फ्रेंड्स, सो दिस इज द एक्सेल फ्लो कंप्रेसर। सो फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।